सभी दोस्तों का ज्ञानोदय एजुकेशन ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय दोस्तों, भारतीय संविधान के टॉपिक से संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, जो लगभग 500 क्वेश्चंस होंगे, पर ये आपको एक ही वीडियो में प्राप्त नहीं होंगे साथियों। ये कम से कम भी 5-6 वीडियो में मैं इसको रखने का प्रयास करूँगा। और जो अभी आने वाली रिट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो विद्यार्थी, और साथ में जो राजस्थान पुलिस पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और ये मान के चलिएगा कि पिछली रिट परीक्षा के अंतर्गत इस पीडीएफ से मैं आपको दावे के साथ कह दूँ, पॉलिटिकल के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं किया था, जिसके कारण से ज्ञानोदय एजुकेशन ग्रुप से 22 स्टूडेंटों का सिलेक्शन देने में हम सफल हुए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, और मेरा मकसद भी यही है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाकर अपनी सफलता के कदम चूमें। और साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं आपको कि यहाँ पर वही विद्यार्थी सफल होंगे जो सटीक चीज़ें पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं। रेगुलर जो मेहनत कर रहे हैं वो विद्यार्थी सफल होंगे। ऐसे नहीं कि हम 2 मिनट पढ़ लिए, 10 मिनट इधर घूम रहे हैं, इससे सफलता अपने को प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपके लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिनको आप ध्यान से सुनिएगा और एक बार अपने ठंडे दिमाग से इनको सुनकर केवल याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान से पॉलिटिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, जो रिट सेकंड लेवल के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो रिट सेकंड लेवल वाले अच्छे से इनको ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा गया है कि एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था। अपने से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हो और 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने रखा था, तो उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। ध्यान रखना विद्यार्थियों, स्वराज पार्टी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा है, व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, तो उसका नाम है एम एन रॉय ने सर्वप्रथम ये विचार दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, अर्थात सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग, जो संविधान का निर्माण हो इसका आधिकारिक रूप से मांग कब की थी, 1935 में। तो ध्यान रखिएगा 1935 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की कि संविधान का निर्माण वयस्क मत अधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ये घोषणा की थी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यह घोषणा की गई थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारीकी से मैं इसको ढूंढ कर लेके आया हूँ। पांचवा क्वेश्चन है अगला, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था, कब आया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कब आया था, 1942 में। ध्यान रखना 1942 में। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 24 मार्च 1946 को आया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी रूप से कौन थे, डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। ध्यान रखना अस्थायी सदस्य थे ये संविधान सभा के, और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो स्थाई कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्थाई थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। 10वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों, दोस्तों, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, हैदराबाद ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था, उस समय जो रियासतें थी उन रियासतों में कम से कम अगर 10 लाख व्यक्ति है तो 10 लाख व्यक्तियों का एक प्रतिनिधित्व चुना जाता था। अगला क्वेश्चन है 12वां, संविधान सभा में संचालित समिति के अध्यक्ष कौन थे, संचालित समिति ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि यहाँ बहुत से स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, उल्टी सीधी क्वेश्चनों के जवाब दे के आते हो आप और फिर कहते हो कि ये गलत हो गया, तो गलत होना स्वाभाविक बात है। यहाँ संचालन समिति पूछी गई है आपसे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इनके संघीय संविधान समिति के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आप इसको अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हो। संघ शक्ति ये अक्सर पूछा जाता है, संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि यहाँ उल्टे सीधे आप आंसर देखे होंगे, ये मेरे को पता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों या अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ध्यान रहे विद्यार्थी दोस्तों, संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी थर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष ध्यान रखना कौन थे? एच सी मुखर्जी। ठीक है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। ध्यान रखना कितनी थी प्रिय विद्यार्थियों, 33। ठीक है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। वेरी गुड, 15, ये ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार रीट के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, महिलाओं की संख्या 15 थी। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके पास में, संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे, कुल कितना समय लगा? तो 2 साल 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठकें हुई थी संविधान सभा की टोटल। संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए? तो यहाँ पे आप ध्यान रखना 64,96,729 रुपये खर्च हुए थे संविधान को बनाने में। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके बाद में आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में चर्चा करते हैं, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। अगला है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। तो ध्यान रखना राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रीय गान भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। 24 जनवरी, कोई 26 जनवरी मत भर किया जाना, नहीं तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना, तो ये ध्यान रखना। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना मई 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया था ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम सूचना व प्रसारण है ना के मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है आपका 33वां, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रिय दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये भी आप ध्यान रखना, कानून मंत्री। इसके बाद में बात करते हैं अपन, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रमिक मंत्री कौन थे? श्रमिक मंत्री जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह।
सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमरता कौर या अमर कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? सी एच बाबा। प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के सुणगुमन शेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? वी एन गोडगिल थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री। ठीक है, 45वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और 46वां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949, ये ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा गया था संविधान को हम अंगीकार आत्मसमर्पित आदि वो करते हैं, परंतु लागू कब किया था? पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया था दोस्तों, तो ये भी ध्यान रहे। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395 थी, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे, ये भी ध्यान रखना। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी, ये भी आपको याद रखनी है। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये प्रारूप समिति का गठन अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था? 4 नवंबर 1948 को। पहली बार वाचन कब हुआ था संविधान का? 4 नवंबर 1948 को इसका वाचन हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूट ए एस स्टडी बाई द असेंबली बी पास्ट नामक प्रस्ताव किसने पेश किया था? यह प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, जो संविधान को पास करवाने के लिए ये बिल रखा गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। इसके बाद में द कॉन्स्टिट्यूट एज स्टेड बाई द असेंबली बाई पास्ट, अर्थात ये प्रस्ताव कब पास हो गया था? 26 नवंबर 1949 को ये पास हुआ था। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? 73 सीटें जीती थी संविधान के लिए, है ना, ध्यान रखिए। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? 208 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। पहली बार किस दिन संपूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को पहली बार संपूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था रावी नदी के तट पर। यहाँ पे तिरंगे का आह्वान भी किया गया था और सर्वप्रथम यहाँ पे राष्ट्रगान का भी वाचन किया गया था, तो ये भी राष्ट्रगीत का भी वाचन किया गया था। और उसी समय भारत को आज़ाद मान लिया था इन क्रांतिकारियों ने, परंतु उस समय तो ये ऐसा हो नहीं पाया और बाद में जाकर इस तारीख का महत्व 26 जनवरी 1950 को रखा गया है। भारतीय संविधान की शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया था। किसने प्रारूप समिति को अपहन समिति कहा था? निराजुद्दीन अहमद ने इसको अपहन समिति के नाम से कहा था। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने इसको हिंदुओं का निकाय कहा था। संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया था? जानवर या प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया था हाथी को। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर बी एन राव को नियुक्त किया गया था सलाहकार के रूप में, संवैधानिक सलाहकार के रूप में। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। संविधान के प्रमुख
सुलेख कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राजायद था। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? इटैलिक शैली में लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपसे दावे के साथ कह दूं, आपके जितने भी साथी हैं उनसे पूछ लेना कि भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था। अगर कोई बता दे तो मेरे से आके कह देना कि सर उसने तुरंत इसका जवाब दे दिया था। अगर नहीं दे तो फिर मैं कहूँगा आपको ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है, कहाँ का क्वेश्चन है। जब वहाँ पर आपसे रिट में पूछा जाएगा तो आप इधर उधर पट्टियाँ गिनने लग जाओगे। तो ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थी दोस्तों, इटैलिक भाषा में इसको लिखा गया था, इटैलिक शैली में लिखा गया था, भाषा नहीं शैली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यकरण और सजावट किसके द्वारा किए गए? शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस तथा पीयूष राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेख कौन थे, अर्थात हिंदी में इसको बदलने वाले कौन थे? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको जब लिखा था तो इटैलिक भाषा में, अर्थात अंग्रेजी भाषा में लिखा था, और इसका जो हिंदी में संस्करण निकाला था वो था हिंदी में लिखने वाले सुलेख करने वाले वसंत कर्षण वेदई थे। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था? नंदलाल बोस के द्वारा इसको हिंदी में और इसकी सजावट की गई थी। डोमिनियल विधानसभा के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 17 नवंबर 1947 को। और डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जी वी मावलंकर ने की थी। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935, इसको ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, 1935 का, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला आपका पास में क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? तो यह है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के आधार पर लिया गया था। भारतीय संविधान का प्रस्तावना उद्देशिका किसने प्रस्तुत की थी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। और संविधान की कुंजी किसने कहा था? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता के शब्द जोड़े गए थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के तहत ये शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता के शब्द जोड़े गए थे। मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता तथा न्याय पालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान के लिए ली गई है? तो ये ली गई थी अमेरिका से। निर्वाचन राष्ट्रपति एवं उस पर महायोग उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई थी? ये भी अमेरिका से ली गई थी। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में नीति निर्देश सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? आयरलैंड। नीति निर्देश सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए थे, ध्यान रखिएगा, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान के लिए से लिया गया था? आयरलैंड से। अर्थात राष्ट्रपति द्वारा कोई भी राज्यसभा में दो व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों को जो चुनता है, मनोनयन करता है, तो वो कहाँ से ली गई थी? वो प्रणाली आयरलैंड से ली गई थी। केंद्र या राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी से लिया गया था। मौलिक शक्तियाँ ना, मौलिक अधिकार, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए थे? रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे दोस्तों? रूस से। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा।
यह आप ध्यान रखना, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश से लिया गया था? कनाडा से। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिणी अफ्रीका। संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उल्लेख, संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? पहली अनुसूची में मिलता है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को, जो 1991 में किया गया था, दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया था। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। शहरी क्षेत्रों की स्थायी स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18 विषय प्रदान किए गए थे। 98 क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन 1993 में जो किया गया था उसके तहत जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। और अंतिम आज का जो 100वां क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए थे? तो 29 क्वेश्चन प्रदान किए गए थे। सभी दोस्तों को जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। PDF चाहिए तो आप मेरे WhatsApp ग्रुप पे कमेंट कर सकते हो वहाँ पे, या इसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो और PDF को मेरे से ले सकते हो और आसानी से आप इनको और अध्ययन कर सकते हो। हमारा मकसद यही है कि आप रिट परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। कम से कम भी रिट परीक्षा में आपको अपना स्थान बनाने के लिए 80% बनाना अति आवश्यक है। तो उसके लिए आप तत्पर रहिए, तैयार रहिए। जैसा कि निर्देश मिल रहे हैं सरकार के द्वारा, एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम होगा ही सही, और उस एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले 100 क्वेश्चंस में, अगले वीडियो में, फिर उसके बाद में ऐसे ही संविधान के टोटल मैंने 500 क्वेश्चंस बना रखे हैं। उन 500 क्वेश्चंस को आपको मैं 5, 6, 7, 8 वीडियो के अंतर्गत अपलोड कर दूंगा, तो आप उनको ध्यान से भी देखिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।